अपनी प्रधानमंत्री जी से अनुग्रह करेंगे, कृपया अपने कर कमलों द्वारा सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड प्रदान करने की कृपा करें। और लाभार्थियों में सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं फुलेश्वरी पटेल को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिकल सेल पीड़ित लोगों के लिए ये वरदान बनकर आए, इस योजना का लाभ लोगों को मिले इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये हेल्थ कार्ड इशू किए जा रहे हैं, हेल्थ कार्ड उन्हें प्रदान किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दरअसल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के तहत ये स्वास्थ्य कार्ड लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे इस गंभीर बीमारी और गंभीर परेशानी से जो लोग जूझ रहे हैं उन परिवारों को लाभ मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच से उन लोगों को ये स्वास्थ्य लाभ मिले इसके लिए कार्ड वितरित कर रहे हैं और आगे भी कई बड़ी परियोजनाएं यहाँ के लोगों को समर्पित की जाएंगी। और ये देखिए, ये हेल्थ कार्ड इशू किए जा रहे हैं और उन लोगों को अपने हाथ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये स्वास्थ्य कार्ड प्रदान कर रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के सिकल सेल पीड़ित लोगों के लिए एक वरदान बनकर उनके जीवन में बदलाव लाएगा। इस उम्मीद के साथ इस योजना की शुरुआत की जा रही है और रायगढ़ से सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर इस वक्त मौजूद हैं और सिकल सेल जो कि गंभीर बीमारी, एक गंभीर समस्या यहां के लोगों के लिए बना हुआ है और अब एक दो नहीं पूरे 9 जगह पर ये मल्टी स्पेशलिटी और तमाम सुविधाओं से लैस अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे सिकल सेल पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए उन्हें ज़्यादा भटकना ना पड़े, उनके लिए ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण योजना साबित होगी इसकी उम्मीद की जा रही है और लोगों को इसका स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द मिले इसके लिए इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथ से वो स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर रहे हैं। मंच से इस वक्त सीधी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, मंच पर मौजूद उन लोगों को उन्होंने स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए, जिससे कि वो स्वास्थ्य लाभ ले सके। और अब कुछ और परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमोट का बटन दबाकर यहां से करेंगे, जिसमें सबसे पहले उन्होंने जो रेल कॉरिडोर्स हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं रायपुर आने जाने वाली ट्रेन्स बाधित होती हैं या कई बार कैंसिल करनी पड़ती हैं और लोग यात्रियों को काफी परेशानी होती है, तो रेल आवागमन निर्बाध रूप से व्यवस्थित तरीके से सुचारू तरीके से चलता रहे इसके लिए यहाँ पर जो रेल कॉरिडोर्स प्रस्तावित थे उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही क्षणों में संबोधन शुरू करेंगे और कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें।